व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। वनडे में 2-1 से भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है, 14 तारीख से मैच का शुरुआत होने वाली है और 2 टेस्ट मैचों की ये सीरीज है जो कि भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मद्देनजर रखते हुए काफी अहम सीरीज है। पर उससे पहले आज भारत के चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की जो टेस्ट मैच चल रही है सीरीज इंग्लैंड के साथ, उसमें पाकिस्तान को अपने ही होम ग्राउंड में 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सीरीज गवा बैठे हैं आज का मुकाबला 26 रनों से हार कर। पहले बैटिंग करी थी इंग्लैंड की टीम ने, पहली इनिंग में 281 रन बनाए थे जिसमें एक बार फिर से बेन डकेट और ओली पोप ने शानदार प्रदर्शन किया था। जहां बेन डकेट ने 63 रन मारे थे, वहीं ओली पॉप 60 रन का योगदान दिया था। इसके बाद मार्क वुड ने 36, बेन स्टोक्स ने 30 रनों की पारी खेली थी। एक अच्छे कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा था, पहला मुकाबला जीतकर एक अच्छी कंडीशन में थी इंग्लैंड। पाकिस्तान को 26 रनों से शिकस्त दे दी है और इसी के साथ पाकिस्तान का सफर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब समाप्त हो गया है। तो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है क्योंकि अपने होम कंट्री में, होम ग्राउंड में लगातार दूसरा मुकाबला हारे हैं और ओवरऑल इस साल 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक भी जीत नहीं हासिल हुई है अपने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को। तो ये काफी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स के थ्रू। हालांकि गेंदबाजी अच्छी रही थी, पहली इनिंग में 281 रन पर ऑल आउट कर दिया था इंग्लैंड को, जिसके बाद बैटिंग करने उतरी थी टीम। पर गेंदबाजी में अबरार अहमद, जो कि अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे, उन्होंने 7 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। कुल इन्होंने मुकाबले में, इस मैच में 11 विकेट झटके और पाकिस्तान के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में 11 विकेट झटके। इसके अलावा जाहिद महमूद के नाम 3 सफलताएं जरूर लगी थी, पर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान मात्र 202 रनों पर ढह गया। अब अच्छी सी लीड थी इंग्लैंड के पास। पाकिस्तान की बात की जाए तो कप्तान बाबर आजम ने ठीक ठाक पारी खेली, 75 रन बनाए, पर रॉबिन्सन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस सीरीज चौथी बार था कि ओली रॉबिन्सन ने इन्हें आउट किया है। साउथ शकील, इनके नाम अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, इन्होंने भी 63 रनों का योगदान दिया और दूसरी पारी में भी इनके बल्ले से रन निकले। बाद में अच्छा खासा दूसरी पारी शुरुआत करी इंग्लैंड ने, 275 रन पर ऑल आउट हो गए जिसमें बेन डकेट ने शानदार अर्धशतक लगाया। इसके अलावा हैरी ब्रूक्स आकर्षण का केंद्र रहे जिन्होंने 149 गेंदों पर शतकीय पारी खेली। हैरी ब्रूक्स के बल्ले से 108 रन निकले। वहीं बेन स्टोक्स ने अंत में आके 41 रनों की शानदार पारी खेली। 275 रन दूसरी पारी में पाकिस्तान ने बना लिए थे और 355 रनों का टारगेट दिया था जिसमें 2 दिन बचे हुए थे, 2.5 दिन बल्कि बचे हुए थे मैच के, और 355 रन बनाने थे पाकिस्तान को अपने ही होम ग्राउंड पर। अपनी परिस्थितियों को अच्छे से जान पहचान थी, पर उसके बावजूद टीम शॉर्ट पड़ गई। पाकिस्तान जब दूसरी पारी में इंग्लैंड को गेंदबाजी करने उतरा था तो अबरार अहमद ने एक बार फिर से गेंदबाजी में जादू झोंकते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। कुल मैच में इन्होंने 11 विकेट झटके और पाकिस्तान के दूसरे ऐसे गेंदबाज बन गए जिनके नाम अपने डेब्यू मैच में 11 विकेट आए। मोहम्मद नवाज के नाम 1 सफलता हाथ लगी, जाहिद महमूद ने दूसरी पारी में भी 3 विकेट झटके, पर इसके अलावा कोई गेंदबाज नहीं चल सका। पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने उतरी थी, 355 रनों का अच्छा खासा टारगेट था, पर 2.5 दिन का समय शेष था। आज चौथा दिन था, कल से बैटिंग कर रहे थे, अच्छी शुरुआत मिली थी। अब्दुल्ला शफीक ने 45 और मोहम्मद रिजवान ने 30 रन बनाए थे, पर इसके बाद बाबर आजम 1 रन पर आउट हो गए, जिसके बाद साउथ शकील और इमामुल हक ने टीम को संभाला। जहां साउथ शकील अपना शतक नहीं पूरा कर पाए, 94 रन बनाकर मार्क वुड का शिकार बने, नर्वस 90s का भी इनको शिकार होना पड़ा। इमामुल हक ने 60 रनों की पारी खेली, एक शानदार कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा था और जीत की तरफ बढ़ रही थी पारी। पर फहीम अशरफ 10 रन पर आउट हो गए और अच्छी फॉर्म में दिख रहे मोहम्मद नवाज को भी 45 रनों के स्कोर पर मार्क वुड ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब राहें कठिन थी, विकेटें सिर्फ 4 बची थी। अबरार अहमद एक बार फिर से अच्छा बैटिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिला, इन्होंने 141.67 के औसत से 12 गेंदों पर 4 चौके जड़ते हुए 17 रन जड़ दिए, पर बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं, अनलकी साबित हुए। जेम्स एंडरसन की गेंद पर कैच दे बैठे,
आगा सलमान ने थोड़ा सा समा जरूर बांधा था जब 20 रन बना लिए थे, पर उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अबरार अहमद और आगा सलमान दोनों ही टीम को जीत दिला देंगे, क्योंकि छोटा टोटल बचा था बाद में, मात्र 35 रन चाहिए थे जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, और दोनों ही बैटर्स अबरार अहमद और आगा सलमान अच्छी कंडीशन में दिख रहे थे। जहां अबरार अहमद चौके पे चौके लगाते जा रहे थे, वहीं आगा सलमान रुक के खेल रहे थे, पर ये भी बीच बीच में चौके लगा रहे थे। पर यहां से अबरार अहमद को जेम्स एंडरसन ने पवेलियन भेज दिया, जाहिर महमूद को मार्क वुड ने बोल्ड कर दिया शून्य के स्कोर पर, और अंतिम विकेट, अंतिम नेल ठोकी रॉबिन्सन ने मोहम्मद अली को पवेलियन भेजकर, और इसी के साथ 2-0 से इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम कर ली है। अब सीरीज अपने नाम कर ली है, पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले ही बाहर हो चुकी है इंग्लैंड, क्योंकि अपने शुरुआती दौर में 8 लगातार मैचेस हारे थे, जिसका खामियाजा बाहर होकर भुगतना पड़ा। पर इन 2 जीत से मनोबल बढ़ा होगा और पाकिस्तान की उम्मीदों को करारा झटका भी लगा है, क्योंकि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गई है, मतलब फाइनल की कंटेंजेंसी से बाहर हो गई है। मैचेस तो हालांकि सभी अहम हैं, पर फाइनल में अब नहीं पहुंच पाएगी पाकिस्तान की टीम, अपने होम ग्राउंड पर पिछले 5 मुकाबले नहीं जीत पाई है। पाकिस्तान 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ रहे थे, अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और लगातार ये 2 मुकाबले इंग्लैंड के हाथों गंवाने पड़े हैं। अब टोटल स्टैट्स की बात की जाए तो अभी तक कुल 30-32 मुकाबले टेस्ट मैचेस खेली है पाकिस्तान, जिसमें से 2 मुकाबले उनको सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, और इसमें से 2 मुकाबले इंग्लैंड ने आज इनको मात दे दी है। तो एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, चेंज है पाकिस्तानी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी, कि उनको विचार विमर्श करना होगा कि अपनी होम कंडीशंस पे इतना खस्ता हाल प्रदर्शन कर रही है पाकिस्तान की टीम। अब पाकिस्तानी टीम की तरफ से अबरार अहमद एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर बनकर जरूर उभरे हैं, पर इसके अलावा गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर जरूर रही है। पाकिस्तानी टीम को अपनी गेंदबाजी पर फोकस करना होगा, क्योंकि अब इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से तो जरूर बाहर हो गए, पर अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होने वाली है उसके लिए तैयारियां जोर शोर से अभी से शुरू करनी होगी। अब बात करते हैं भारतीय टीम की। 14 तारीख से भारत बनाम बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, ये भी टेस्ट सीरीज वर्ल्ड चैंपियनशिप के हिसाब से लिहाज से काफी ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि भारत को कुल 6 में से अपने 5 मुकाबले जीतने हैं, 5 मुकाबले जीतने ही हैं, 5वां जीतते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, पर 4 मुकाबले तो जीतने ही हैं। अगर 6 में से 4 मुकाबले नहीं जीते तो भारतीय टीम को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होना पड़ेगा। अब समीकरणों का भी यहां पे खेल काफी ज्यादा अहम होने वाला है। 6 में से 2 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, वहीं 4 मुकाबले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होम कंट्री भारत अपने ही देश में ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हैं। अब बांग्लादेश से तो मुझे ऐसा लगता है सीरीज इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भारतीय टीम के लिए नया कड़ी चुनौती लेकर आएगी। तो 4 मैचेस की सीरीज है, भारतीय टीम की होम कंडीशन है, उसका फायदा तो उठाना ही चाहेंगे, पर 4 में से कम से कम 3 मुकाबले तो जीतने काफी ज्यादा अहम है। और इसी के साथ एक ये भी उम्मीद करनी होगी कि जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाला है उसमें ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को मात दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस वक्त टॉप 2 में चल रही है, शानदार फॉर्म में चल रही है। तो ओवरऑल टीम का प्रदर्शन, भारतीय टीम का प्रदर्शन उनके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। रोहित शर्मा हालांकि चोट की वजह से इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, कितने समय के लिए बाहर हुए हैं बीसीसीआई ने स्पष्ट नहीं किया है, चोट कितनी गहरी है, हालांकि अभी थोड़ा सा उनको समय देना होगा क्योंकि चोट भरी नहीं है, तो पूरा आराम देगी भारतीय टीम। हालांकि रोहित शर्मा फुल फॉर्म के साथ वापसी करेंगे हमें ऐसा लगता है, क्योंकि दूसरा ओडीआई जो खेला गया था जिसमें काफी क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिला था, भारतीय टीम ने 5 रन से मैच गवाया था, पर अंत में आके रोहित शर्मा ने एक काफी ज्यादा उत्तेजक पारी खेली थी, 28 गेंदों पर 51 रनों की 5 छक्के लगाकर एक समा सा बांध दिया था, मैच को काफी क्लोज ले आए थे, चोटिल होने के बावजूद मैच में खेले थे, तो काफी ज्यादा अच्छा। रोहित शर्मा फॉर्म में वापसी जरूर करेंगे जब अगली सीरीज के लिए टीम रेडी होगी। अगली सीरीज के बारे में बात करूं तो श्रीलंका के खिलाफ जनवरी से शुरू होगी, इसमें ओडीआई T20 और टेस्ट मैचेस तीनों ही खेले जाएंगे। तो हालांकि अभी पूरा फोकस है बांग्लादेश और भारत की सीरीज पर,
इंग्लैंड ने पाकिस्तान को आज 26 रनों से मुकाबला हराकर पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये बड़ी खबर है। 355 रनों का टारगेट था पाकिस्तान के लिए, ढाई दिन का समय शेष था और एक अच्छा स्टार्ट भी मिला था, पर उसके बावजूद 26 रनों से मैच कमा बैठे। जैक क्रॉली शानदार बैटिंग तो नहीं कर पाए पर फील्डिंग काफी शानदार रही। पाकिस्तान की बात की जाए तो शफीक 45 रन बनाए थे, मोहम्मद रिजवान ने 30 रनों का योगदान दिया था। साउथ शकील आज थोड़े से अनलकी साबित हुए, नर्वस 90 का शिकार बने 94 रन पर। इनको पवेलियन का रास्ता दिखाया मार्क वुड ने। कप्तान बाबर आजम एक रन बनाकर पवेलियन लौटे। रॉबिन्सन ने एक बार फिर से इनको अपना शिकार बनाया। इमामुल हक ने अच्छी पारी खेली 60 रन की, पर मैच नहीं जीता पाए तो खासा फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितनी बड़ी पारी, व्यक्तिगत पारी का इस टेस्ट चैंपियनशिप में खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैचेस नहीं जीतते हो तो आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस काउंट किसी काम के नहीं होने वाले। तो ये रही अभी तक की अपडेट। 14 तारीख को भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला होने जा रहा है, दो मैच की टेस्ट सीरीज है। उसके लिए क्रिकेट एंड मोर के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, हम आपको लाइव अपडेट्स देते रहेंगे, लाइव न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे और लाइव स्कोर आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, अपडेटेड रखेंगे आपको थ्रू आउट द सीरीज, हम आपके साथ बने रहेंगे। इसके बाद भारत तीन कंट्री से अलग अलग होम टीम एज ए होम टीम सीरीज खेलने वाला है। पहले श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेली जाएगी, फिर फरवरी के महीने में आपको डबल कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे जब इंडियन वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप में एंटर करेगी। वर्ल्ड कप खेला जाएगा फरवरी के महीने में, काफी ज्यादा अहम होने वाला है वो भी। इसके अलावा भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी जो कि काफी ज्यादा अहम होने वाली है 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से। और इसी के ठीक बाद भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के साथ कंटेंजेंसी दिखाएगी। चार मैचेस की टेस्ट सीरीज है और काफी ज्यादा अहम है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से। इसी के साथ भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप में लगातार दूसरी दफा एंटर करना चाहेगी फाइनल्स के लिए। वहीं समीकरण ये भी कहते हैं कि भारतीय टीम को निर्भर करना होगा कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज कैसे खेलती है। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज जीतनी होगी, साउथ अफ्रीका को हराना होगा अगर भारतीय टीम को बरकरार रहना है और क्वालिफाई करना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में। तो पिछला फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, थोड़े से अनलकी रहे थे, इंग्लैंड के मैदान पर खेला गया था मैच और भारतीय टीम को वहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो एक अहम कॉन्टेस्ट होगा भारतीय टीम के लिए टेस्ट चैंपियनशिप में। और बांग्लादेश जो कि ओडीआईस में 2-1 से जीत कर आ रही है, मोमेंटम देखिए होम टीम होने के नाते उन्हीं के हाथ में है। पहले दो मुकाबले जीते थे बांग्लादेश ने, पहले मुकाबले में गेंदबाजी करी थी, वहीं दूसरे मुकाबले में बॉलिंग करी थी। और तीसरा मुकाबला हर किसी की जुबान पे है, ईशान किशन ने 210 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। और वहीं विराट कोहली की फॉर्म में वापसी हुई है, 113 रन विराट कोहली ने इस मैच में बनाए थे जो कि इन दो की पारी हाईलाइट रही थी। इसके अलावा भारतीय गेंदबाजों ने भी काबिले तारीफ परफॉर्मेंस की थी। तो ये मोमेंटम भारत के साथ भी है थोड़ा बहुत, पर स्क्वाड में चेंजेस हैं। केएल राहुल कैप्टेंसी करते दिखेंगे क्योंकि रोहित शर्मा चोटिल हैं तो सीरीज से बाहर कर दिए गए हैं। वाइस कैप्टेंसी चेतेश्वर पुजारा के हाथ में होगी। शुभमन गिल एज अ स्टार्टर खेल सकते हैं, ईशान किशन इस सीरीज का हिस्सा नहीं है टेस्ट सीरीज का, तो शुभमन गिल भरपूर मौके का फायदा उठाना चाहेंगे रोहित शर्मा की एब्सेंस में। इसके अलावा केएल राहुल के साथ ओपनिंग करते दिख सकते हैं। इस सीरीज में विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर भी है, ऋषभ पंत की वापसी हुई है एज अ कीपर भी आप इन्हें देखेंगे। और ऋषभ पंत इस साल भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है, तो उसी इंटेंट के साथ बैटिंग करना चाहेंगे। आपने इनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में देखा होगा किस तेज गति से ये रन बनाते हैं, अटैकिंग फील्ड का एकदम 30 यार्ड सर्कल पैक फील्ड का पूरा फायदा उठाते हैं ऋषभ पंत, तो इन पर खासा निगाहें होने वाली हैं। इनका अभी तक का ओडीआई और T20I करियर इतना अच्छा नहीं रहा है, पिछले कुछ मैचेस विफल हुए हैं, क्वेश्चन खड़े हुए हैं इनकी फॉर्म पर, इन्हें टीम में इतनी जगह दी जा रही है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज इनके लिए नया चुनौती लेकर आएगी, हालांकि कैसे एक्सेप्ट करते हैं ऋषभ पंत इस चुनौती को वो देखना होगा। पर बांग्लादेश और भारत के बीच टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खासा बड़ी लड़ाई है, भारत दोनों मुकाबले जीतना चाहेगा क्योंकि 6 टेस्ट मुकाबलों में से 5 भारतीय टीम को जीतने हैं
अगर क्वालिफिकेशन की दौड़ में बने रहना है तो, जिसमें दो मुकाबले बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी भारतीय टीम, वहीं अगले चार मुकाबले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होंगे। तो खासा अहम टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से इस पूरा ओवरऑल फिक्सचर होने वाला है। हालांकि अभी की बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान को उसी की होम कंट्री में अपनी सरजमी पर हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने 26 रनों से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है। हालांकि एक मुकाबला बचा जरूर है, पर अब इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गया है। ये बड़ी अपडेट्स है। कल आपने देखा भारतीय महिला टीम कैसे खेली है, उस पर भी चर्चा की जाए तो स्मृति मंधाना ने दिखा दिया कि क्यों इन्हें T20 वनडे का वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स में से गिना जाता है। 73 रनों की शानदार पारी खेली और सुपर ओवर में गया था ये कॉन्टेस्ट, तो सुपर ओवर में भी इन्होंने अच्छे खासे चौके छक्के लगाकर 20 रन दिए थे। 20 रन, 21 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया की टीम को। ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 16 रन ही बना सकी, जिसके बाद भारतीय टीम ने महिला टीम ने मैच अपने नाम कर लिया। इस बीच ऋषा घोष की बैटिंग काफी ज्यादा काबिले तारीफ और देखने वाली थी, छक्के पे छक्के लगा रही थी और मैच को काफी क्लोज ले आया था। हाथ से फिसलता मैच था, उसके बाद भी इतना क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिला, जो कि काफी शानदार नजरिया है भारतीय टीम का। भारतीय वुमेन्स टीम की ओर नजरें गड़ा के रखिए, क्योंकि फरवरी के महीने में वर्ल्ड कप खेलेगी ये टीम और एक बार फिर से जिम्मेदारी होगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रदर्शन दोहराए। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम फाइनल में तो पहुंची थी, पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो इस बार के वर्ल्ड कप के टीम जितने पहले मैचेस खेल रही है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीम कैसा कैरेक्टर शो करती है इन सारे ही मैचेस में वर्ल्ड कप से पहले, उस पर खासा नजरें होंगी। टीम का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके बाद ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा किस तरह से मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस करती हैं वो, और वापसी करेंगे जब पूजा वस्त्राकर, स्मृति राणा, उनके प्रदर्शन पे भी खासा इम्पैक्ट डालने वाली पारियां खेलनी होंगी वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय महिला टीम को। अभी तक का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है, तो ओवरऑल पैक बड़ी खबरें यही रही। एक बार फिर से बता दूं जो हमारे साथ व्यूवर सभी जुड़े हैं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को उसी की सरजमी पर आज 26 रनों से शिकस्त देकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। एक टेस्ट मुकाबला अभी भी बचा है, पर इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम कर ली है। अब पिछले 5 मुकाबले पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पर खेले हैं, जिसमें एक में भी जीत हासिल नहीं हुई है पाकिस्तान की टीम को। 5 मुकाबलों में से 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ रहे थे, वहीं 3 मुकाबलों में हार का सामना किया है। 2 मुकाबले अभी हारे हैं सीरीज में, तो पाकिस्तान का लचर प्रदर्शन जारी है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर अच्छा परफॉर्म करती है टीम, पर जब द्विपक्षीय सीरीज की बारी आती है तो ये टीम थोड़ा सा लचर हो जाती है। बाबर आजम इस सीरीज में इतना कंसिस्टेंट रहे हैं, पर इस आखिरी इनिंग में मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए थे, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की टीम को हार के रूप में भुगतना पड़ा। वहीं अबरार अहमद, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में अपना पदार्पण किया था, डेब्यू मैच खेल रहे थे और डेब्यू मैच में इन्होंने एक उपलब्धि हासिल कर ली है। पाकिस्तान के दूसरे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में टेस्ट मैच में 11 विकेट झटक ली है। पहली इनिंग में अबरार अहमद ने 7 विकेट झटके थे। 7 विकेटों की बात की जाए तो जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रूक्स, बेन स्टोक्स, विल जैक्स, ओपनिंग 7ों के 7 विकेट अबरार अहमद ने झटके थे। वहीं दूसरी पारी में भी इस यंग गेंदबाज के नाम 4 सफलताएं हाथ लगी। इन 4 सफलताओं की बात करें तो एक बार फिर से जैक क्रॉली को रनआउट कर दिया अबरार अहमद ने। बेन डकेट, विल जैक्स, जो रूट इनका शिकार बने थे। इसके अलावा अंत में रॉबिन्सन को शिकार बनाया था अपना 4था शिकार और 11 विकेट लेकर टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर बने। मैन ऑफ द प्लेयर, बेस्ट बॉलर का खिताब भी इन्हों को ही दिया गया है। तो काफी क्लोज कॉन्टेस्ट, काफी शानदार मैच देखने को मिला, जिसमें इंग्लैंड ने 26 रनों से शिकस्त देकर पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं इंग्लैंड की टीम पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गई थी, क्योंकि अपने स्टार्टिंग के फिक्स्चर्स के 8 मुकाबले लगातार हारी थी। पाकिस्तान की टीम अच्छे हालात से नहीं गुजर रही है, तो एक क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को जरूर मिला, पर अपनी होम टीम का हारना फैंस को भी काफी ज्यादा कचोट रहा होगा। क्रिकेट एंड मोर के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से बताऊं मैं तो, बांग्लादेश के साथ भारत की टेस्ट सीरीज 14 तारीख से शुरू होने वाली है, तो
तो इस पर नजरें जरूर बनाए रखिएगा, क्रिकेट एंड मोर आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहेगा इस मैच की और इसके अलावा बाकी क्रिकेटिंग एक्शंस की थ्रू आउट द जो वर्ल्ड चल रहे हैं क्रिकेटिंग एक्शन उसकी अपडेट्स देते रहेंगे हम। क्रिकेट एंड मोर के साथ आप सभी लोग जुड़े रहे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो करें अगर आप क्रिकेट रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो अभी के लिए बड़ी खबर यही कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 26 रनों से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है और अपनी ही सरजमीन पर पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार है, टोटल 5 मुकाबलों में से एक भी जीत नहीं हाथ लगी है पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पर, तो ये खासा कचोटने वाली चीज है। वहीं एक स्टैट है जो रूट के नाम, जो रूट 50 विकेट ले चुके हैं और एक उपलब्धि हासिल कर ली है, तीसरे ऐसे ऑलराउंडर बन गए हैं जिन्होंने अपने करियर के 10,000 रन भी पूरे किए हैं और 50 विकेट भी झटके हैं टेस्ट मुकाबले में, तो ये एक खासा बड़ी उपलब्धि इन्होंने अपने नाम की है। इनके ऊपर जैक स्कैलिस और स्टीव वॉ का नाम आता है जिन्होंने ये कारनामा किया था। तो जो रूट खासा अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, गेंदबाजी में भी अच्छे उपयोगी साबित हो रहे हैं। जो रूट ने जहां पहले इनिंग में दूसरे मुकाबले की पहली इनिंग में 2 विकेट झटके थे, वहीं जो दूसरी इनिंग खेली थी उसमें एक अहम योगदान इनका रहा क्योंकि इन्होंने अहम मौके पर 1 विकेट झटका और वो रूट विकेट था फहीम अशरफ का जो कि एक शानदार मौके पर लिया गया था। तो ये रही अब तक की अपडेट, क्रिकेट एंड मोर के साथ आप सभी लोग जुड़े रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। आगे की खबरों से बने बरकरार रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर बरकरार रहें, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।